नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम फोबिया में। जैसा कि मित्रों, हम लोग बिहार PCS प्राइमरी एग्जाम को देखते हुए विभिन्न संस्थानों के मॉडल टेस्ट पेपर सॉल्व कर रहे थे, तो हम लोगों ने धेय IAS संस्थान के और दृष्टि IAS संस्थानों के मॉडल टेस्ट पेपर सॉल्व करने की शुरुआत कर दी थी। और अब तक हम लोग दृष्टि IAS संस्थान के 3 मॉडल टेस्ट पेपर सॉल्व कर चुके थे। आज हम लोग देखेंगे दृष्टि IAS संस्थान का मॉडल टेस्ट संख्या 4, जो कि मित्रों हमारे भारत के बजट और बिहार के बजट पर आधारित है। और बेसिकली ये आपका एक अर्थशास्त्र का पेपर बनाया गया है, जिस अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमी से संबंधित इसमें प्रश्नों के बारे में हम लोग सॉल्व करेंगे। क्योंकि आप देखेंगे कि पहले तीसरे मतलब लास्ट वीडियो और आज के वीडियो में काफ़ी लंबा गैप हो गया है, वो कुछ टेक्निकल इशू आ रहे थे, इसलिए हम लोग वीडियो अपलोड नहीं कर पाए हैं। लेकिन आप निराश मत होइए, शीघ्र ही टेस्ट जैसे ही संस्थान के कंप्लीट होंगे, डे बाय डे आपको सारे टेस्ट सॉल्व करा दिए जाएंगे और टेस्टों का सॉल्यूशन और उनका एक्सप्लेनेशन आपको हमारे चैनल के माध्यम से प्राप्त हो जाएगा। तो देर ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का मॉडल टेस्ट संख्या 4 और देखते हैं मॉडल टेस्ट संख्या 4 में क्या क्या बातें की गई हैं, कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो अर्थव्यवस्था के रिलेटेड हैं, देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन देखते हैं मित्रों। पहला क्वेश्चन है, वर्ष 2023-24 बजट व्यय का कितना प्रतिशत बिहार में शिक्षा के लिए आवंटित किया गया है? ठीक है मित्रों, क्या है बजट में 2023-24 में बिहार का जो बजट पेश किया गया है उसमें शिक्षा के लिए कितना बजट दिया गया है, इससे संबंधित प्रश्न है। जरा देखते हैं कि क्या है इसमें। तो जैसा कि आपको बताया गया है, बजट है कौन सा 23-24 का और किसका है, बिहार बजट। तो जैसा कि अगर हम बजट के बारे में बात करें तो बिहार में शिक्षा के लिए जो बजट दिया गया है वो मित्रों दिया गया है 17.9%। कितना दिया गया है, 17.9%। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि यहाँ पे कितना है ऑप्शन, तो यहाँ पे मित्रों ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका बिल्कुल सही बैठेगा, 17.9%। इसके अलावा अगर हम बात करें कि स्वास्थ्य के लिए कितना दिया गया है, तो अगर हम स्वास्थ्य के लिए बात करें, यहीं पर अगर हम लोग स्वास्थ्य के बारे में भी बात कर लें, हो सकता है एग्जाम में स्वास्थ्य से रिलेटेड आ जाए, तो मित्रों स्वास्थ्य के लिए खर्च करने की बात की गई है तो वो है 7%। कितना है, 7% जो टोटल व्यय किया जाएगा स्वास्थ्य के लिए उसका कितना है, वो आपके टोटल व्यय का 7% है। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट यदि हम बात करें कि बिहार में कृषि के लिए कितना किया गया है, यहाँ कृषि का भी बिल्कुल बहुत ज़रूरी करना है क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि पर बेस्ड है। ठीक है, भारत में सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाली अगर कोई अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था का जो सेक्टर है वो एग्रीकल्चर सेक्टर है और एग्रीकल्चर पर निवेश करने की बात सबसे ज़्यादा की जाती है, तो इस साल बजट में इसे किया गया है 3.3% टोटल व्यय का। ठीक है, तो इस साल के बजट के बारे में आप समझ गए होंगे कितना क्या किया गया है। तो पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है, अब हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्या है क्वेश्चन नंबर 2, जरा देखते हैं। बिहार बजट 2023-24 के तहत महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, ठीक है, यानी मनरेगा, ठीक है, मनरेगा के लिए कुल आवंटन कितना है। तो मनरेगा के लिए आवंटन की राशि पूछी गई है कितनी, ठीक है, क्या पूछी गई है, मनरेगा के लिए आवंटित राशि पूछी गई है मित्रों। तो यदि हम बात करें तो महात्मा गांधी मनरेगा रोजगार गारंटी योजना ये जो आती है ग्रामीण मंत्रालय के अंतर्गत होगा और इसमें अंतर्गत जो ग्रामीण जनसंख्या है, वर्क पावर है, यानी 18 से प्लस जो लोग हैं उनको अगले यानी वर्ष के 150 दिन का रोज दिया जाता है मनरेगा के अंतर्गत, और ये हमारा एक तरह से अधिकार दे दिया गया है, अधिकार बता दिया गया है रोजगार पाने का, राइट टू एम्प्लॉयमेंट का एक प्रकार का अधिकार है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है
वर्क पावर बढ़ाने के लिए और बेरोजगारी कम करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में काफ़ी अच्छा योगदान रहता है इसका अर्थव्यवस्था में और ग्रामीण स्टेबिलिटी में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे मनरेगा के बारे में, तो मित्रों ये योजना जो शुरू की गई थी ये 2006 में शुरू की गई थी, ठीक है। और यदि हम बात करें तो मित्रों, यदि हम यहाँ पे देखें तो बिहार सरकार ने ग्रामीण मंत्रालय, किस मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, यानी ग्रामीण विकास के लिए टोटल कितना किया है, टोटल लगभग किया है 25,270 करोड़ रुपए, कितना किया है 25,270 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं टोटल ग्रामीण विकास के लिए। और इस ग्रामीण विकास में अगर हम टोटल मनरेगा की बात करें, तो यहाँ मनरेगा के लिए किए हैं कितने 3,852 करोड़ रुपए, कितने किए हैं 3,852 करोड़ रुपए। तो इस तरह हम लोग देखते हैं कि हमारा कौन सा विकल्प सही होगा, हमारा विकल्प सही होगा सी विकल्प। कौन सा विकल्प सही होगा मित्रों, सी विकल्प हमारा सही होगा, यानी कितनी राशि की गई है 3,852 करोड़ रुपए, ठीक है। और यहीं पर अगर हम बात करें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत कितनी की गई है, यहाँ पे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत की गई है 3,610 करोड़ की राशि आवंटित की गई है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पर, हम लोग क्या कह रहा है थर्ड, बिहार बजट 2023-24 में कुल अनुमानित व्यय कितना है, बिहार बजट 2023-24 के अंतर्गत कुल अनुमानित बजट कितना है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें बिहार का टोटल बजट इस साल का जो व्यय बजट किया गया है अनुमान, तो वो मित्रों किया गया है 2,61,885 करोड़ रुपए, यानी ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर दे रहा है, ठीक है। कितना किया गया है 2,61,885 करोड़ रुपए, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर पर और देखते हैं क्या कह रहा है फोर, बिहार बजट वर्ष 2023-24 के तहत केंद्र से राज्य को मिलने वाला अनुमानित सहायता अनुदान कितना है, ठीक है। बिहार बजट 2023-24 के तहत केंद्र से राज्य को मिलने वाला अनुमानित सहायता अनुदान कितना है। तो केंद्र से राज्य को मिलने वाला अनुमानित सहायता अनुदान 2023-24 की अगर हम बात करें तो वो है 53,300, कितना है मित्रों। यहाँ पर यदि हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर के बारे में, तो जरा देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर देखते हैं, बिहार बजट 2023-24 में तहत केंद्र से राज्य को मिलने वाला अनुमानित सहायता कितना अनुदान है। तो ये है ए ऑप्शन 58,001 करोड़ रुपए, 53,378 करोड़ रुपए, 55,555 करोड़ रुपए, उपरोक्त में से कोई नहीं है, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही होगा, क्योंकि इस वर्ष 2023-24 में बिहार बजट के अनुसार केंद्र द्वारा राज्य को मिलने वाली सहायता है 53,378 करोड़ रुपए, कितनी है 53,378 करोड़ रुपए, ठीक है मित्रों। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव पर, क्या कह रहा है, आत्मनिर्भर बिहार की 7 निश्चय यानी 7 मिशन 2 2020-25 के तहत वित्तीय वर्ष 23-24 के लिए विभिन्न विभागों को का अनुमानित बजट कितना है। तो 7 निश्चय यानी सुशासन कार्यक्रम के अंतर्गत 2020-25 के बीच आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चित कार्यक्रम में जो बजट अनुमानित किया गया है वो कितना किया गया है, वो बजट किया गया है 5,000 करोड़ रुपए, कितना किया गया है मित्रों 5,000 करोड़ रुपए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स पर और देखते हैं सिक्स क्या कह रहा है हम लोगों से, वर्ष 2023-24 में बिहार का अनुमानित बकाया सार्वजनिक ऋण कितना है, GSDP का 32.15% ए ऑप्शन में है, GSDP का 37.23% बी ऑप्शन में है, ठीक है। इसके बाद GSDP का 23.67 आपका सी ऑप्शन में है और एक से अधिक सही है, ये डी ऑप्शन में है। तो मित्रों यहाँ पर यदि हम बात करें तो बिहार का अनुमानित बकाया सार्वजनिक
ऑप्शन ए सही होगा, यानी जी एस ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का, यानी स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का 32.15% है। ओके, तो यानी ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। बिहार बजट 23-24 में कुल राजस्व प्राप्तियां कितनी अनुमानित हैं? ऑप्शन ए में दिया गया है 2,12,759 करोड़ रुपए, बी में दिया गया है 2,12,327 करोड़ रुपए, सी में दिया गया है 2,38,327 करोड़ रुपए और डी में दिया गया है उपरोक्त में से एक से अधिक सही होंगे या उपरोक्त में से कोई नहीं सही होगा। तो यहाँ पर यदि हम बात करें बिहार बजट 2023-24 के अनुसार 23-24 के लिए टोटल राजस्व प्राप्ति यानी एज रेवेन्यू रिसीप्ट जो हैं वो हमारा कितना है, वो हमारा 2,12,327 करोड़ रुपए है। अब यहाँ पे एक बात और मित्रों ध्यान रखना कि यहाँ पर जो ये है वो हमारे पिछले बजट के अनुसार यानी 2022-23 के बजट के अनुसार कितना अधिक है, ये वहाँ से हमारा 6% अधिक है। कितना है मित्रों, 6% अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। बिहार बजट वर्ष 2023-24 के अनुसार बिहार का कुल कर राजस्व कितना अनुमानित है? ए ऑप्शन में है 47,900 करोड़ रुपए, बी ऑप्शन में है 49,700 करोड़ रुपए, सी ऑप्शन में है 48,800 करोड़ रुपए या डी ऑप्शन में है उपरोक्त में से एक से अधिक और ई में है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा ऑप्शन सही होगा, बिहार में बजट 23-24 के अनुसार कुल राजस्व कितना अनुमानित किया गया है, जो अनुमान लगाया गया है वो 23-24 में अनुमान लगाया गया है 49,700 करोड़ रुपए। कितना अनुमान लगाया गया है 49,700 करोड़ रुपए। और ये भी अगर हम बात करें मित्रों 2022-23 के बजट से कितना प्रतिशत अधिक है, ये 2022-23 के बजट से 20% अधिक है। कितना है मित्रों, 20% अधिक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9, इसे समझते हैं। बिहार बजट के अनुसार 2023-24 में उल्लिखित राजस्व प्राप्तियों में से प्रतिबद्ध व्यय का कितना है, प्रतिबद्ध व्यय का प्रतिशत कितना है? ए 23%, बी 27%, सी 37% या डी उपरोक्त में से एक से अधिक या ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा ऑप्शन सही होगा, जो राजस्व प्राप्तियों के प्रतिबद्ध व्यय का प्रतिशत कितना अधिक है, तो मित्रों वो है हमारा 23-24 के बजट का कितना है, वो है हमारा 37%। कितना है मित्रों, 37%। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्या कह रहा है, बिहार बजट पर आधारित क्वेश्चन नंबर 10। 23-24 के अनुसार वर्ष 2023-24 के अंत में बिहार की अनुमानित बकाया देनदारियां कितनी हैं? GSDP का 37.8%, GSDP का 27.3% या GSDP का 33% या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर बकाया देनदारियों के बारे में अगर हम बात करें तो वो बिहार का GSDP का 37.8% है। कितना है मित्रों, 37.8%। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्या कह रहा है 11, उसके बारे में बात करें। बिहार में शराब पर प्रतिबंध चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। बिहार में शराब पर प्रतिबंध किस वर्ष लगाया गया था? क्या बिहार में शराब पर प्रतिबंध, तो मित्रों यहाँ पर यदि देखें क्वेश्चन नंबर 11 के ऑप्शन ए हैं 2014, ऑप्शन बी हैं 2016, ऑप्शन सी हैं 2017, ऑप्शन डी है एक से अधिक होगा या ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर मित्रों अगर हम बात करें तो बिहार में शराबबंदी जो हुई थी वो हुई थी 2016 में। कब हुई थी, 2016 में। कब हुई थी मित्रों,
2016 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 12 पर, वित्तीय वर्ष 2023-24 के बिहार बजट के तहत वार्षिक योजना परिव्यय क्या है? 1,00,000 करोड़, ओके, 60,000 करोड़, ओके, 1,20,000 करोड़ रुपए, या डी उपरोक्त में से एक से अधिक, या ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें वित्तीय वर्ष 2023-24 में बिहार बजट के तहत वार्षिक योजना परिव्यय कितनी थी, 1,00,000 करोड़ रुपए, यानी ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर, क्या है 13? बिहार बजट 2023-24 के तहत स्मार्ट सिटी मिशन के लिए बजट आवंटन क्या है, 415 करोड़ रुपए, बी 667 करोड़ रुपए, या सी 940 करोड़ रुपए, या डी उपरोक्त में से एक से अधिक, या ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो मित्रों यहाँ पर देखें बिहार बजट 23-24 के तहत स्मार्ट सिटी मिशन के लिए कितना बजट आवंटन किया गया है, तो वो बजट आवंटन किया गया है 940 करोड़ रुपए। कितना है मित्रों, 940 करोड़ रुपए आवंटन किया गया है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर, क्या कह रहा है, चालू मूल्यों पर वर्ष 23-24 के लिए बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद लगभग अनुमानित किया गया है, ए 7.5 लाख करोड़ रुपए, बी 8.5 लाख करोड़ रुपए, या सी 9.5 लाख करोड़ रुपए, या डी उपरोक्त में से एक से अधिक, या ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें चालू मूल्य वर्ष पर 23-24 का बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद है 8.5 लाख करोड़ रुपए, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा, ठीक है मित्रों। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर, क्या है, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण जुलाई 2021 से जून 2022 के अनुसार बिहार में बेरोजगारी दर है, यानी बिहार की बेरोजगारी दर के बारे में क्वेश्चन है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है मित्रों ये। तो यदि हम यहाँ पे बात करें बिहार में जुलाई 2021 से जून 2022 के बीच बेरोजगारी जो दर दिखाई गई है वो कितनी है, ए के अनुसार 11%, बी के अनुसार 9%, सी के अनुसार 6%, या डी के अनुसार उपरोक्त में से अधिक। तो यहाँ पर यदि हम बात करें इस समय के दौरान, यानी 21-22 के दौरान जो बेरोजगारी दर दी गई है वो है हमारी 6%। कितनी है, 6%, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा, ठीक है। यदि हम बिहार के लिए आयु वर्ग वाइज निकालें तो मित्रों बिहार में 15 से 29 वर्ष की आयु के बीच की बेरोजगारी जो दर है वो 20.1% है, ठीक है। और यदि हम बात करें और राष्ट्रीय स्तर की बात करें, नेशनल लेवल की अगर हम बात करें तो नेशनल लेवल से ये 12.4% अधिक है, ठीक है। कितनी है, 12.4%, ठीक है। और यदि हम बात करें इस समय में सबसे ज़्यादा जो बेरोजगारी दर है वो है हरियाणा की, कितनी है, लगभग 37.2%। सर्वाधिक बेरोजगारी दर कहाँ पर है मित्रों, हरियाणा में है 37.2%। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर, क्या कह रहा है 16, उसे समझते हैं हम लोग। बिहार बजट 2023-24 के अनुसार बिहार की अर्थव्यवस्था के लिए निम्नलिखित में कौन सा सही है, ए बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद मौजूदा कीमतों पर 18.59 लाख करोड़ रुपए का अनुमान है, राज्य जीएसटी को कर राजस्व की प्राप्ति का सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है, राजस्व अधिशेष 0.5% होने का अनुमान है, ऑप्शन डी है एक से अधिक सही होगा, या इसमें भी बात है कोई सही नहीं होगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें बिहार में सकल राज्य घरेलू उत्पाद मौजूदा कीमतों पर 8.5 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान है, ये बात बिल्कुल सही है, और इसके साथ ही जीएसटी को राजस्व प्राप्ति का सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है, और ये लगभग टोटल आय का 63% है, यानी आपकी ये भी बात क्या है, बिल्कुल सही है, क्या है, बिल्कुल सही है,
ठीक है। और यदि हम बात करें राजस्व अधिशेष का 0.5% होने का अनुमान है, नहीं ये बात गलत है, 26% बढ़ने का अनुमान है। कितना बढ़ने का अनुमान है? 26%। तो ये गलत है, जबकि बी और ए सही है, यानी एक से अधिक यहाँ पे सही हैं। तो आपका आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्या कह रहा है 17? वर्तमान मूल्य पर वर्ष 2021-22 में बिहार की अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र का योगदान सबसे कम होने का अनुमान लगाया गया है? कृषि, विनिर्माण, सेवा, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, ये जो अनुमान लगाया गया है ये किसका लगाया गया है और इसमें क्या होगा सबसे कम योगदान, ये अनुमान जो लगाया गया है वो लगाया गया है इंफ्रास्ट्रक्चर का, यानी विनिर्माण का। क्या? विनिर्माण का अनुमान लगाया, विनिर्माण जो है उसमें सबसे कम, ठीक है, क्योंकि अगर हम बात करें कृषि का तो कृषि पर 26% है, अगर हम बात करें विनिर्माण का तो ये 15% है, ठीक है, अगर हम बात करें सर्विस का तो ये 59% है। तो सबसे कम किसका हुआ? विनिर्माण का हुआ। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। बिहार बजट 2023-24 के अनुसार किस क्षेत्र को सबसे अधिक धनराशि का आवंटन प्राप्त हुआ है? ग्रामीण विकास, बी शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति, सी स्वास्थ्य, परिवार कल्याण और डी एक से अधिक सही हैं और ई इनमें से कोई नहीं। तो यदि हम बात करें ग्रामीण विकास के लिए, तो ग्रामीण विकास के लिए हैं 25,270 करोड़ रुपए। कितने हैं? 25,270 करोड़ रुपए। शिक्षा खेल के लिए अगर हम बात करें तो ये हैं 42,81 करोड़ रुपए। कितना है? 42,381, यहाँ भी और ज़्यादा है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्या स्वास्थ्य एवं मंत्रालय के देखें तो 16,704 करोड़ रुपए। तो सबसे अधिक धनराशि किसे मिली है? तो मित्रों सबसे अधिक धनराशि आप देखेंगे खेल, शिक्षा और कला और संस्कृति को प्राप्त हुई है, ठीक है, किसे हुई है? खेल, कला और संस्कृति को। नेक्स्ट बात करते हैं हम 19 में, बिहार में जेंडर वेस्टिंग की शुरुआत किस वर्ष हुई? 2008 और 9, 2008 और 7, 2007 और 6, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सी बातें सही हैं, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 देखें। क्या इसमें 19 कह रहा है जेंडर बजटिंग की शुरुआत किस वर्ष से हुई? तो जेंडर बजटिंग की शुरुआत हुई थी मित्रों 2008-09 की। अब बात कर लेते हैं जेंडर बजट क्या होता है। वो बजट जो जेंडर बेस्ड होता है। क्या बेस्ड होता है? जेंडर बेस्ड होता है, यानी जेंडर बेस्ड यानी अलग से मेल और फीमेल में डिफाइन किया जाता है और कई योजनाएं जो हमारी महिलाओं से प्रेरित योजनाएं उसमें लागू की जाएं, तो ऐसे बजट को हम लोग फीमेल बजट या जेंडर बजट के तौर पे भी जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन बच्चों के लिए व्यापक बजट लाने वाला भारत का तीसरा राज्य है? तो यहाँ पर बच्चों के लिए व्यापक बजट लाने वाला भारत का तीसरा राज्य जो है वो कौन है? वो हमारा बिहार होगा। कौन होगा मित्रों? बिहार होगा। कौन होगा? बिहार होगा, क्योंकि बिहार में 2019 से बाल बजटिंग का भी एक प्रावधान शुरू किया गया है। कौन सा शुरू किया गया है? बाल बजटिंग, यानी बच्चों का चाइल्ड बजटिंग का भी प्रोफेशन शुरू किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के पास और देखते हैं क्या कह रहा है 21। वर्ष 2023-24 के लिए बिहार का अनुमानित राजकोषीय घाटा कितना है? वर्ष 2023 का बिहार का अनुमानित राजकोषीय घाटा अनुमान किया गया है 2.98%। कितना है? 2.98
प्रतिशत यानी ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्या है? राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार बिहार की कुल प्रजनन दर कितनी है? ए 3.4, बी 3.2, सी 3.0, डी 1 से अधिक सही होगा या ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें बिहार बजटिंग में सर्वेक्षण के अनुसार बिहार की कुल प्रजनन दर है 3.0। ठीक है, कितनी है? 3.0। ठीक है, अगर हम बात करें 2011 में या NH4 के अनुसार, यानी NH4 में ये थी 3.4 और इस अब NH5 में क्या हो गई है, ये हो गई है 3.0%। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 के पास। क्या कह रहा है 23? बिहार सरकार ने वर्ष 2023-24 में कितने लाख करोड़ रुपए बजट के रूप में प्रस्तावित कर रखे हैं? ए 4.5, बी 2.6, सी 3.6 या डी 1 से अधिक या ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो व्यय का जो प्रस्ताव कर रखा है वो कर रखा है 2.6। कितना है? 2.6 बजट व्यय का 2.6 कर रखा है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। 2023-24 का बिहार बजट किसने पेश किया है? सुशील कुमार मोदी द्वारा, ए ऑप्शन है। बी है हमारा नवल किशोर चौधरी द्वारा, सी ऑप्शन है विजय कुमार चौधरी द्वारा या डी ऑप्शन है एक उपरोक्त में से एक से अधिक या ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे मित्रों अगर हम बात करें तो बिहार के जो वित्त मंत्री हैं वो हैं विजय कुमार चौधरी। कौन हैं? विजय कुमार चौधरी। तो किसने बजट पेश किया है? विजय कुमार चौधरी ने किया है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। बिहार सरकार ने 23-24 के बजट के लिए अपने बजट में कृषि यांत्रिकरण के लिए कितने करोड़ की सब्सिडी आवंटित की है? ए 100 करोड़ की, बी 200 करोड़ की, सी उपरोक्त में से एक से अधिक सही है या डी ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कितने करोड़ की आवंटित की है, तो कृषि सब्सिडी 100 करोड़ की आवंटित की है। कितनी की है? 100 करोड़ की सब्सिडी आवंटित की है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25-26। वर्ष 2023-22-23 की तुलना में 23-24 का बजट में किन दो क्षेत्रों के आवंटन में कमी देखी गई है? तो तुलनात्मक अध्ययन में अगर हम देखें, ए ऑप्शन में दिया है शिक्षा एवं स्वास्थ्य, बी में दिया है पुलिस एवं ग्रामीण विकास, सी में दिया है कृषि एवं सड़क एवं पुल और ई में दिया है डी में कोई एक से अधिक और ई में दिया है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यदि हम यहाँ पे बात करें शिक्षा और स्वास्थ्य का जो बजट है वो शिक्षा के लिए जो बजट है वो पिछले बजट की तुलना में 14% अधिक है। कितना अधिक है? 14.8%। सॉरी, ये है आपका 17.9% है। ठीक है, और स्वास्थ्य के लिए अगर हम बात करें तो ये 6% अधिक है। कितना है? 6% अधिक। ठीक है, ये पिछला वर्ष जो था उसमें 14 था तो ये भी थोड़ा अधिक था। ठीक है, यदि हम कृषि के लिए बात करें तो ये 3.3 है आपका कृषि के लिए। ठीक है, 3.3%। ठीक है, सड़क एवं पुल के लिए बात करें तो सड़क एवं पुल के लिए बात करें तो ये है 4.5%। कितना है? 4.5% सड़क एवं पुल के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे कृषि के लिए बात करते हैं तो 3.3, सड़क एवं पुल के लिए बात करते हैं तो 4.5। ठीक है, पुलिस एवं ग्रामीण विकास के लिए बात करते हैं तो ये है आपका पुलिस के लिए 10.7 और ग्रामीण विकास के लिए 5.7%। ठीक है, तो यहाँ पर यदि देखें सबसे कम किस में है? ऑप्शन सी में है। तो हमारा आंसर क्या होगा? सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27। बिहार बजट 23-24 के अनुसार चौथे कृषि रोड मैप में विशेष ध्यान दिया जाएगा
कौन फसलों पर दिया जाएगा इसके संबंधित क्वेश्चन है। तो 23-24 के अनुसार ए दलहन एवं तिलहन में, बी चावल और मक्के में, सी गन्ना और गेहूं में, या डी उपरोक्त में से एक से अधिक, या ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये दिया जाएगा सबसे अधिक ध्यान दलहन और तिलहन में, यानी ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28। बिहार बजट 2023-24 के अनुसार किस राज्य की विकास दर 10% से अधिक है? आंध्र की, राजस्थान की, बिहार की? बिहार बजट के अनुसार किस राज्य की विकास दर 10% से अधिक है? तो यदि हम बात करें 10% से अधिक वाले राज्यों की, तो मित्रों बिहार की विकास दर है हमारी 10.98, ठीक है। अगर हम बात करें आंध्र प्रदेश की, किसकी मित्रों, आंध्र प्रदेश की है 11.4, ठीक है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान की है 11.04, ठीक है। तो ये जो चार राज्य हैं, ये जो चार राज्य हैं इनकी ये प्रतिशत है। तो अगर हम यहाँ पे आंसर देखेंगे जाके, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29। बिहार सरकार ने वर्ष 23-24 में राज्य उत्पाद शुल्क से GSDP का लगभग राजस्व घाटा बजट रखा है 11%, 0.1%, 10% उपरोक्त में से अधिक। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये कौन सा होगा, ये होगा 0.1%। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30। बिहार में आउटकम बजट कौन सा मित्रों, आउटकम बजट की शुरुआत किस वर्ष हुई? आउटकम बजट की शुरुआत अगर हम बात करें 2009-10 में, 2010-11 में, 2006-07 में। तो मित्रों आउटकम बजट जो शुरू हुआ था वो हुआ था 2006-07 में। अब बात करते हैं आउटकम बजट क्या होता है। मित्रों आउटकम बजट जो नीति हैं, या जो नीति हैं और प्लस जो मंत्रालय हैं, उन पर नियंत्रण रखने के लिए होता है। क्या करने के लिए, नियंत्रण रखने के लिए। कैसा नियंत्रण होगा, जैसे मान लो कोई भी योजना है, यानी कोई भी योजना बनी, यहाँ नीति यानी योजना है, कोई भी योजना बनी तो आपका देखा जाएगा कि आपने इस योजना को कितना पूरा कर लिया है, ठीक है। आपकी परफॉर्मेंस, आपका उद्देश्य, आपने कितनी योजना कंप्लीट कर ली है, किसी मंत्रालय ने जो योजनाएं भेजी हैं अपनी, उसमें उसका परफॉर्मेंस कैसा रहा, तो परफॉर्मेंस के लिए ये योजना देखी जाती है मित्रों, ठीक है मित्रों। तो ये क्या है आपका, ये आपका आउटकम बजट है, जिससे निगरानी रखी जाती है और उनके ऊपर हुए व्यय को देखा जाता है मित्रों, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्या है 31, इसे समझते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के अनुसार 21-22 में स्थिर मूल्यों पर बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP की वृद्धि दर कितनी थी? 8.68%, 10.98%, 11.04%, उपरोक्त में से एक से अधिक, या उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 31, तो क्या कह रहा है 31, तो 31 में बिहार में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि कितनी है, 10.98%। अभी हमने देखी थी ऊपर वाले क्वेश्चन में, प्रति व्यक्ति आय के घटते क्रम में बिहार के जिलों का सही क्रम चुनिए। तो प्रति व्यक्ति आय के घटते क्रम में बिहार के सही क्रम है पटना, बेगूसराय, मुंगेर, या पटना, मुंगेर, बेगूसराय, बेगूसराय, पटना, मुंगेर। तो यहाँ पर यदि हम देखें घटती आय का क्रम है पटना, बेगूसराय और मुंगेर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33। बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार सड़क घनत्व के मामले में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? तो सड़क घनत्व के मामले में बिहार का देश में स्थान के बारे में अगर हम बात करें तो वो है आपका तीसरा स्थान। कौन सा है मित्रों, तीसरा स्थान है, ठीक है, सड़क घनत्व के अनुसार, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34। बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 2021-22 में बिहार में प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत कितनी थी? ए 280, बी 329, सी 445, या डी उपरोक्त में से एक से अधिक।
या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो मित्रों यहाँ पे ऑप्शन सही होगा 329 किलोवाट। नेक्स्ट चलते हैं 35। बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के अनुसार बिहार की कुल पुलिस बल में महिलाओं का प्रतिशत कितना है, 21%, 23% या 24.3%, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा, तो ये आपका आंसर होगा बिहार में 24.3% अधिक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पर। क्या है 36, उसे देखते हैं। बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के अनुसार 20-21 में बिहार में फसल गहनता कितनी थी, ए 141%, बी 144%, या सी 147% या डी उपरोक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये थी 144%, यानी बी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37। बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्ष 2016-20 में बिहार में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा कितनी है, तो बिहार में जीवन प्रत्याशा की अगर हम बात करें तो ए 65.8 वर्ष, बी 69.5 वर्ष, या सी 70 वर्ष, या डी एक से अधिक, या ई कोई नहीं। तो ये है आपका 69.5 वर्ष जीवन प्रत्याशा। नेक्स्ट है दीदी की रसोई एक समुदाय संचालित कैंटीन मॉडल है जिसकी शुरुआत की गई थी जीविका द्वारा, पटना नगर निगम द्वारा, बिहार ग्रामीण आजीविका संवर्धन सोसाइटी द्वारा, उपरोक्त में से एक से अधिक, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दीदी की रसोई के बारे में यदि हम बात करें तो मित्रों दीदी की रसोई जो है वो बिहार ग्रामीण आजीविका संवर्धन के द्वारा प्रारंभ की गई थी और ये अस्पतालों में कैंटीन चलाने के लिए जीविका के नाम से जानी जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा सही है, पहला ऑप्शन सही है और हमारा सी ऑप्शन सही है, और अगर हम ओवरऑल ऑप्शन की बात करें तो डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39। बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, आर्थिक सर्वेक्षण से रिलेटेड कथन बताना है। पहला कथन है बिहार में द्वितीयक क्षेत्र में 18.3% की वृद्धि हुई है, वृद्धि हुई है। बी बिहार में तृतीय क्षेत्र में 60.7% की वृद्धि हुई है। सी बिहार में प्राथमिक क्षेत्र में 21.2% दर की वृद्धि हुई है। तो अब आपको बताना है कौन सा कथन सत्य है, ए में ये हो गया, डी में है एक से अधिक सत्य हैं, और सी में है, ई में है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें बिहार की द्वितीयक क्षेत्र में वृद्धि दर 18.3% बिल्कुल सही है, तृतीयक क्षेत्र में 60% ये भी सही है, और बिहार के प्राथमिक क्षेत्र में 21.2% ये भी सही है, यानी ऑप्शन कौन सा हमारा सही होगा, डी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के अनुसार वर्ष 2020-21 में राज्य सरकार की कुल व्यय में सामाजिक सेवा व्यय प्रतिशत कितना है, नंबर ए 23.5, 31.9, 42.4, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही होगा वो होगा 42.4%। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41। बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के अनुसार वर्ष 2019-21 में बिहार में रिपोर्ट किए गए कुल प्रसव के संस्थागत प्रसव का कितना प्रतिशत है, तो ए 76.2, 63.9, 47.7 और उपरोक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो संस्थागत प्रसव कितने हैं, 76.2% है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42। वर्ष 2020-21-22 में GSDP की वृद्धि दर में निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र महत्वपूर्ण योगदान करता है, मत्स्य पालन और जलीय कृषि, पशुपालन, सीमेंट फैक्ट्री, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ये ऑप्शन जो है हमारा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। ठीक है, नेक्स्ट
यानी मत्स्य पालन, पशुपालन, सीमेंट फैक्ट्री तीनों सही हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43। वर्ष 2021-22 में बिहार सरकार की कुल उधारी कितनी थी? बिहार सरकार की उधारी के बारे में क्वेश्चन है, तो मित्रों बिहार सरकार की उधारी 30,445 करोड़, 35,400 करोड़, 40,445 करोड़, यानी ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44। क्या कह रहा है? बिहार की अर्थव्यवस्था के समग्र विकास के लिए कृषि और संबंधित क्षेत्रों का विकास महत्वपूर्ण है। ए आवश्यक अग्रगामी और पश्चवर्ती संबंध के कारण, राज्य में फसल गहनता के कारण, सिंचाई विकास के कारण, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो यहाँ पर मित्रों जो ऑप्शन सही होगा वो होगा आवश्यक अग्रगामी पश्चवर्ती संबंध के कारण, यानी ऑप्शन ए हमारा सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45। बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति के तहत निम्नलिखित में किस उत्पाद पर सब्सिडी नहीं दी जाती है? तो सब्सिडी कहाँ पर नहीं दी जाती है इससे संबंधित क्वेश्चन है। ए सुगंधित पौधे, बी चाय, सी मक्का, डी उपरोक्त में से एक से अधिक, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें बिहार में जो है राज्य सरकार ने कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति लागू की है, जिसमें कृषि आधारित उद्योगों की स्थापना और मौजूदा इकाइयों में विविधीकरण के लिए निवेश तो 15% और किसान उत्पादक कोई कंपनियों द्वारा दिया जाता है, और 25% की पूंजी की सब्सिडी दी जाती है। तो वो सात हैं, वो हैं आपके मखाने, फल, सब्जी, मक्का, औषधि, ठीक है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें इन सब में सब्सिडी दी जाती है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, यानी आपका ऑप्शन होगा ई, ये ऑप्शन सही है, ठीक है। कोई भी ऐसा नहीं है जिसमें सब्सिडी ना दी जाती हो, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पर। बिहार में वर्ष 2021-22 में कुल चीनी उत्पादन था 42.4 लाख क्विंटल, बी 45.6 लाख क्विंटल, सी 49.24 लाख क्विंटल, या डी उपरोक्त में से एक से अधिक, या ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये कौन सा होगा? तो ये मित्रों होगा आपका 45.6 लाख क्विंटल। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार खाद्य प्रसंस्करण में कितनी राशि का निवेश किया गया था? ए 31%, बी 35%, सी 41%, या डी उपरोक्त में से एक से अधिक, या ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो यहाँ पर मित्रों आपका राशि निवेश की गई थी वो है 41%। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार बिहार पर्यटन पर व्यय की राशि कितनी है? ए 170.26 करोड़ रुपए, बी 146.90 करोड़ रुपए, या सी 100 करोड़ रुपए, या डी उपरोक्त में से एक से अधिक, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो मित्रों यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो सही होगा 146.90 करोड़ रुपए, यानी बी ऑप्शन हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49। क्या कह रहा है 49, देखते हैं जरा। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार बिहार में कार्य जनसंख्या अनुपात WPR के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए ग्रामीण बिहार में पुरुष WPR 68.78% था, जबकि अखिल भारतीय 77.9, बिल्कुल सही है। शहरी बिहार मामले में पुरुष WPR 64 और अखिल भारतीय स्तर पर 70, ये बात क्या है? गलत है।
महिला WPR की तुलना में पुरुष बिहार संबंध बिहार भारत के बीच अंतर कम है, ये बात सही है। तो आपको बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। तो मित्रों दूसरा कथन सही नहीं है, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पर और देखते हैं क्या कह रहा है 50। बिहार में भारत में वाहन पंजीकरण में बढ़ते क्रम के अनुसार निम्नलिखित राज्यों का सही क्रम चुनिए। तो ए है आपका महाराष्ट्र बिहार उत्तर प्रदेश, बी बिहार उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र, सी उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र बिहार। तो सबसे ज़्यादा पंजीकरण जो हो रहे हैं वो आपके उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र और बिहार में हो रहे हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट चलते हैं 51। बिहार में ई गवर्नेंस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, करो विचार। ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने हेतु बिहार को उच्चतम प्रत्यक्ष लाभ अंतरण DBT लेन देन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। औसतन प्रत्येक घर में 2 या अधिक मोबाइल कनेक्शन हैं, लगभग हर घर में इंटरनेट की पहुंच है और 98.7% ग्राम पंचायतों भारत नेट के अंतर्गत कवर किया गया है। तो आपको बताना है इसमें कौन सी बातें सही हैं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो मित्रों उच्चतम DBT लेन देन में इसे राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है, यानी पहली बात बिल्कुल सही है, ठीक है। दूसरी बात करें औसतन प्रत्येक घर में 2 या अधिक मोबाइल हैं, ये भी बात बिल्कुल सही है, ठीक है। तीसरी बात देखें तो इंटरनेट तक पहुंच 98.7% पंचायतों में अंतर्गत कवर किया गया है, ये भी बात बिल्कुल सही है, यानी तीनों बातें सही हैं, 1, 2, 3, यानी ये ऑप्शन हमारा सही होगा, ठीक है। डी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52। क्या कह रहा है 52? बिहार में निम्नलिखित में से किस जिले ने मुख्यमंत्री डिजिटल योजना को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू किया? पटना, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? बिहार में निम्नलिखित में से किस जिले में मुख्यमंत्री डिजिटल योजना का पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू किया गया है? तो देखते हैं इसमें क्या है और बात करते हैं। ए पटना, बी दरभंगा, सी मुजफ्फरपुर, डी उपरोक्त में से एक से अधिक, या ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो कौन सा आंसर होगा? तो मित्रों यहाँ पर होगा आपका मुजफ्फरपुर। कौन सा होगा मित्रों? मुजफ्फरपुर। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा क्वेश्चन नंबर 53। क्या कह रहा है? भूमि विवाद से संबंधित मामलों में बिहार पुलिस द्वारा निम्नलिखित में से किस ऐप का उपयोग किया जा रहा है? भू समाधान, धरती पहल विकल्प, या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो वो है आपका भू समाधान। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पर। क्या कह रहा है 54, उसे समझते हैं। वर्ष 2021-22 में बिहार में कुल विद्युत क्षमता थी, कुल विद्युत क्षमता कितनी थी? ए 4965 मेगावाट, सी बी 7785, सी 7869, या डी उपरोक्त में से एक से अधिक, या ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कितनी क्षमता थी विद्युत की? 7785, यानी ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55। बिहार में 2020-21-22 में बास भूमि के वितरण के लिए बजट का कुल आवंटन था 7148.99 करोड़ रुपए, बी 7025.26 करोड़ रुपए, सी 6351.68 करोड़ रुपए, या डी उपरोक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे यदि हम बात करें कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो यहाँ पर जो बजट आवंटन थी बास भूमि का तो वो था 7148.99 करोड़ रुपए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56। सात निश्चय
यानी सेविन निश्चय जो हैं उससे संबंधित क्वेश्चन हैं। जरा देखते हैं, प्रत्येक वार्ड के लिए निम्नलिखित ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना शुरू की गई है। 70-30 सोलर स्ट्रीट लाइट प्राप्त करने के लिए, 20 सोलर स्ट्रीट लाइट प्राप्त करने के लिए, 10 सोलर स्ट्रीट लाइट प्राप्त करने के लिए। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो मित्रों यहाँ पर है 10 सोलर स्ट्रीट लाइट प्राप्त करने के लिए ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना शुरू की गई है। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल योजना का कार्यान्वयन हेतु कितनी पंचायतों का चयन किया गया है? 42, 90, 44, 50, 45, 100, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो वो पंचायतें हैं 42, 90, ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल शहरी जनसंख्या कितनी है? 10.3 मिलियन, 10.8 मिलियन, 11.8 मिलियन, या डी, उपयुक्त में से एक से अधिक सही हैं, या उपयुक्त में से एक से कम, एक भी नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा सही होगा, शहरी जनसंख्या है 11.8 मिलियन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59 पर, क्या है? बिहार में गंगा जल आपूर्ति योजना के तहत बिहार के निम्नलिखित में से कौन से शहर लाभान्वित होंगे? ए, राजगीर, बी, नवादा, सी, बोधगया, या डी, एक से अधिक, या ई, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, बिहार गंगा जल आपूर्ति योजना से एक योजना शुरू की गई है जिससे 1.12 लाख आबादी होगी, जिसमें नवादा की आबादी है, बोधगया की आबादी है, ठीक है, और गया की आबादी है, ठीक, यानी नवादा, बोधगया और गया, यानी ये दोनों बातें सही हैं, यानी डी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पर, निम्नलिखित में से किस प्रकार के बैंक का बिहार में व्यापक नेटवर्क है? ए, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का, बी, केंद्रीय बैंक का, सी, सहकारी बैंक का, या डी, उपरोक्त में से एक से अधिक, या ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये व्यापक नेटवर्क इन किसी भी बैंक का नहीं है, यानी ऑप्शन ई हमारा सही होगा। व्यापक जो है वो है किसका? वाणिज्यिक बैंक का। किसका है मित्रों? वाणिज्यिक बैंक का, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61। निम्नलिखित में से किस संगठन मंत्रालय ने ग्लास रिपोर्ट जारी की है? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, विश्व स्वास्थ्य संगठन, वैश्विक स्वास्थ्य परिषद, खाद्य और कृषि संगठन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ऑप्शन होगा विश्व स्वास्थ्य संगठन, यानी बी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट है 62। महापरिनिर्वाण दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। ए, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में, बी, सत्यदेव दुबे की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में, सी, बाबा आमटे की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में, या डी, उपरोक्त में से एक से अधिक, या ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है, तो मित्रों ये मनाया जाता है डॉक्टर बी आर अंबेडकर की पुण्यतिथि में। किसके में? डॉक्टर बी आर अंबेडकर की पुण्यतिथि में, यानी उपरोक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन ई हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं 63। संस्कृति मंत्रालय ने 3 दिवसीय विश्व स्वर धरोहर महोत्सव का उद्घाटन किया। ए, कलांजलि के तहत, बी, पोवाड़ा गायन के तहत, सी, प्रवेगा के तहत, या ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये किया गया है कलांजल के तहत। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पर और देखते हैं क्या कह रहा है 64। निम्नलिखित में से कौन सा अमेरिका के शब्दकोश का वर्ष 2022 का शब्द है? ए, लाफेयर, परमाकाइसिस, गैसोलाइटिंग, या कैरोलिन। तो यहाँ पर यदि हम बात करें विश्व अमेरिका का जो शब्द है वो है गैस लाइटिंग। कौन सा है? गैस लाइटिंग, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65 पर। डेयर टू ड्रीम प्रतियोगिता की शुरुआत की गई सत्येंद्र नाथ बोस की स्मृति में। सी वी रमन, डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम, ये डेयर टू ड्रीम की जो संकल्पना है वो डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम की है, यानी किसकी स्मृति में की गई थी? ऑप्शन सी, डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम
की स्मृति में ऐसा कार्यक्रम शुरू किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66 पर। क्या कह रहा है? हाल ही में नेग लेरिया फाउलेरी समाचारों में रहा है। यह संबंधित है जीवाणु वर्ग से, अमीबा वर्ग से, स्तनधारी वर्ग से, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों ये जो है वो किससे संबंधित है? वो है अमीबा वर्ग से, यानी ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67। निम्नलिखित में से किस देश ने फीफा विश्व कप 2022 जीता? कतर, फ्रांस, इंग्लैंड, अर्जेंटीना। तो फीफा विश्व कप 2022 किस देश ने जीता? अर्जेंटीना ने फ्रांस को हरा के जीता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68 क्या कह रहा है? केंद्रीय गृह मंत्री ने प्रहरी ऐप लॉन्च किया है। क्या है ये? ए भारत तिब्बत सीमा पुलिस के लिए, केंद्रीय रिजर्व पुलिस के लिए, भारतीय सेना के लिए, सीमा सुरक्षा बल के लिए, या उपरोक्त में से एक से अधिक, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों ये जो शुरू किया गया है प्रहरी ऐप, वो सीमा सुरक्षा बल के द्वारा यानी BSF के लिए किया गया है। ठीक है, यानी ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट 69। निम्नलिखित में से कौन विश्व की पहली एंट्रानेजल वैक्सीन है जिसे COVID-19 के लिए बूस्टर खुराक के रूप में अनुमोदित किया गया है? ए स्पुतनिक, बी इंकोवेक, सी कोवैक्स, डी जाइकोव, डी उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सी वैक्सीन होगी, वो होगी इंकोवैक, यानी ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70। निम्नलिखित में से किसने वैश्विक जोखिम रिपोर्ट जारी की है? ए ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, बी रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स, सी ACI विकास बैंक, या डी विश्व आर्थिक मंच, या ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें किसने ये लॉन्च की है, तो ये जो की है वो रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी की जाती है। नेक्स्ट, आंध्र प्रदेश को निम्नलिखित में से कौन सा मुहाना इंडियन स्कीमर के लिए सुरक्षित स्थान बन गया है? महानदी, गोदावरी, कृष्णा। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम बात करें किसका बनाया गया है, तो वो नदी है आपकी आंध्र प्रदेश की गोदावरी या बृहद गंगा का मुहाना सुरक्षित बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72। प्रत्येक वर्ष विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस के बारे में यदि हम बात करें तो वो 14 सितंबर को, 15 नवंबर को, 7 अक्टूबर को, या 10 जनवरी को। तो विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है मित्रों 10 जनवरी को, और जो ये है ये राष्ट्रीय हिंदी दिवस है। किस कौन सा है? राष्ट्रीय। तो ऑप्शन कौन सा होगा आपका? डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73। एशिया में ताड़ के पत्तों का पहला पांडुलिपि संग्रहालय स्थापित किया गया? ए तमिलनाडु में, बी गुजरात में, सी केरल में, या डी नई दिल्ली में। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कहाँ पर किया गया है एशिया के ताड़ के पत्तों का पहला पांडुलिपि? तो ये मित्रों किया गया है केरल में, यानी सी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74 पर। निम्नलिखित में से किस राज्य ने में खेलो इंडिया यूथ गेम संस्करण 2022 के 5वें संस्करण का आयोजन किया गया है? ए मध्य प्रदेश, बी बिहार, सी उत्तर प्रदेश, या डी केरल। तो ये जो संस्करण का यूथ गेम्स का उद्घाटन किया गया था वो किया गया था मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है, सांसद खेल महाकुंभ 2022-23 के दूसरे चरण का आयोजन किस राज्य में किया गया है? ठीक है, सांसद खेल का आयोजन यदि हम बात करें, ए बिहार, बी कर्नाटक, सी उत्तर प्रदेश, डी महाराष्ट्र। तो ये किया गया है मित्रों कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। कहाँ किया गया है? उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है अब 76। बिहार सरकार ने पहली बार पुरातात्विक स्थलों पर प्लास्टिक कचरा फैलाने पर जुर्माना लगाया है। कितना जुर्माना लगाया है इस पर आधारित क्वेश्चन है। 1000 रुपये का, 2000 रुपये का, 1500 का। तो मित्रों ये जुर्माना जो लगाया गया है वो है 1000 रुपये का।
ठीक है मित्रों, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77। बिहार का निम्नलिखित में से कौन सा जिला राज्य की औद्योगिक विकास रैंकिंग में प्रथम स्थान है? ए पटना, बी सिवान, सी बेगूसराय, डी उपरोक्त में से एक से अधिक, या ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सा है 77 में आपका कौन सा जिला है जिसको पहली रैंक दी गई है, तो वो है मित्रों आपका सिवान जिला। कौन सा है मित्रों? सिवान जिला। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78। 13वें पटना फिल्मोत्सव में प्रदर्शित आखिरी फिल्म कौन सी थी? 13वें पटना फिल्मोत्सव में प्रदर्शित आखिरी फिल्म ए संवदिया, बी मट्टो की साइकिल, सी लौट रही है बेला एका, या डी उपरोक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो वो फिल्म थी मंटो की साइकिल, यानी ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज में शीर्ष स्थान पर है? ए गुजरात, बी मध्य प्रदेश, या सी उत्तर प्रदेश, या डी आपका उपयुक्त में से एक से अधिक, या ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे यदि हम बात करें तो वो कौन सा है, तो वो मित्रों है आपका माइक्रो फूड प्रोसेसिंग के लिए। तो मित्रों माइक्रो फूड प्रोसेसिंग 29 जून 2020 को शुरू की गई थी। कब की गई थी? 29 जून 2020 को। तो इसमें यह योजना वर्तमान में जो है 35 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू है, सभी 35 राज्यों प्रदेशों में, तो ये सब जगह लागू की गई है। तो इनमें सीट्स पर अगर हम बात करें बिहार जो है वो शीर्ष स्थान पर है। कौन है शीर्ष स्थान पर? बिहार। तो बिहार ऑप्शन में नहीं है, यानी उपरोक्त में से कोई नहीं, ई ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80। क्या कह रहा है 80? बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में पहले सेल्फ मूट और डिजिटल बो कोर्ट का गठन किया गया है? ए मुंगेर, बी भागलपुर, सी पटना, या डी उपरोक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये कौन सा होगा? ये होगा आपका भागलपुर, ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81 पर और देखते हैं क्या कह रहा है 81। डोर टू डोर पार्सल प्रोडक्ट योजना किस रूट पर शुरू की गई है? ए पटना हावड़ा रूट, बी पटना पुणे रूट, या सी पटना दीनदयाल उपाध्याय रूट, या डी उपरोक्त में से एक से अधिक, या ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें किस रूट पर ये योजना शुरू की गई है, तो ये डोर टू डोर पार्सल प्रोडक्ट योजना पटना हावड़ा पटना पुणे रूट पर शुरू की गई, यानी इस पर भी शुरू की गई है, इस पर भी शुरू की गई है, दोनों पे की गई है। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा? डी ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82। भारत के आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम में बिहार को कितने प्रखंडों में शामिल किया गया है? 41, 51, 61, ठीक है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो बिहार को 61 प्रखंडों में शामिल किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83 पर। क्या है? सुभद्रा देवी को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। ए सामाजिक सेवा क्षेत्र में, बी कला के क्षेत्र में, सी साहित्यिक के क्षेत्र में, या डी उपरोक्त में से एक से अधिक, या ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये किया गया है आपके किस में? कला के क्षेत्र में, ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 84। कीर्ति राज सिंह निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? ए हॉकी, बी पावर लिफ्टिंग, सी कबड्डी, या डी उपरोक्त में से एक से अधिक, या ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर यदि बात करें कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो यहाँ पे यदि हम बात करें तो यहाँ पे कीर्ति राज सिंह को किस खेल से संबंधित हैं, तो वो हैं पावर लिफ्टिंग से संबंधित। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85। क्या कह रहा है 85, इसे देखते हैं क्या है।
मुजफ्फरकोशी में ची लिंक योजना से बिहार के किस क्षेत्र को लाभ होगा? ए मुजफ्फरपुर, भागलपुर, दरभंगा, शिवहरे, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, खगड़िया, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, अररिया। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये है आपका पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, अररिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86 पर, और देखते हैं क्या कह रहा है 86। बिहार के किस जिले में जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर सबसे कम है? ऑप्शन ए शिवहर, ऑप्शन बी गोपालगंज, ऑप्शन सी मधेपुरा, ऑप्शन डी उपरोक्त में से एक से अधिक, या ऑप्शन ई। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो सबसे कम 10 की वृद्धि गोपालगंज में हुई थी। किस में हुई थी? गोपालगंज में, ठीक है। और सर्वाधिक वृद्धि के बारे में बात करें तो सर्वाधिक वृद्धि हुई थी मधेपुरा में, सर्वाधिक। इसमें क्या हुई थी? सर्वाधिक, और इसमें कम। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87। बिहार में सर्वाधिक एवं न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय वाले जिले कौन से हैं? बिहार में न्यूनतम और प्रति व्यक्ति आय वाले जिले ए पटना, शिवहरे, पटना, बेगूसराय, गोपालगंज, मुंगेर। तो पटना और शिवहरे का क्रम जो है वो सबसे ज़्यादा और सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाले जिले के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स और फिल के स्थान बिहार राज्य सरकार ने आगामी जनगणना जाति विवरण एकत्र करने का अनुरोध किया है। ए छत्तीसगढ़ और गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा, कर्नाटक, तमिलनाडु। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो महाराष्ट्र और उड़ीसा के साथ बिहार सरकार ने भी जनगणना में जातिगत जनगणना की बात की है, यानी ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 89। बिहार के न्यूनतम तथा सर्वाधिक लिंगानुपात वाले दो जिले हैं ए मुंगेर गोपालगंज, बी गोपालगंज और मुंगेर, सी रोहतास और पुनरिया, या डी उपरोक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो न्यूनतम और सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले मुंगेर और गोपालगंज हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90 पर, क्या कह रहा है 90। बिहार में निम्नलिखित में से किस जिले में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो शेखपुरा, शिवहर, पटना। तो सबसे कम जो जनसंख्या घनत्व है सर्वाधिक वो है शिवहर में। किसमें? शिवहर में, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 91 पर, क्या कह रहा है 91, इसे समझते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्पाद का घटक नहीं है? ए भूमि, श्रम, मानव पूंजी, एक से अधिक और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर बात करें उत्पाद घटक, ये सारे उत्पाद घटक हैं, यानी ऑप्शन ई हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 92। बिहार भारत में कैलोरी आवश्यकता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ए ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 2800 कैलोरी, बी नगरीय क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 2100 कैलोरी, सी ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 2400 कैलोरी, या डी उपरोक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर ऑप्शन जो है हमारा वो सही होगा, ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 2800 कैलोरी। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा 93। सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया जाता है ए कटाई के मौसम के बाद, बी बुआई के मौसम से पहले, सी कटाई और बुआई के मौसम के बीच, या डी उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93, बुआई के मौसम से पहले, यही ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं, भारत में राशन प्रणाली शुरू की गई थी 1940 के दशक में, 1950 के दशक में, 1960 के दशक में, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा सही होगा 1940 के दशक में, यानी ऑप्शन ए हमारा सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 95। निम्नलिखित में से किस वर्ष एकीकृत बाल विकास प्रणाली प्रायोगिक आधार पर शुरू की गई है? 1985, 1975, 1995, उपरोक्त में से
ICDS के बारे में यदि हम बात करें तो वो शुरू की गई थी 1975 में, यानी ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 96 पर। क्या कह रहा है 96, उसे समझते हैं। शिशु मृत्यु दर का उपयुक्त वर्णन किया जा सकता है, क्या है शिशु मृत्यु दर? 1000 जीवित बच्चों के अनुपात में वर्ष दो एक वर्ष में आयु मरने वाले बच्चों की संख्या, ठीक है, 1000 जीवित बच्चों के अनुपात दो वर्ष में, 1000 जीवित बच्चों के अनुपात पाँच वर्ष में, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे यदि हम बात करें तो प्रति 1000 बच्चों में मरने वाले एक वर्ष में मरने वाले बच्चों की संख्या शिशु मृत्यु दर बताती है। 97, कलकत्ता के अखिल भारतीय सांख्यिकी संस्थान ISI की स्थापना की गई थी हेरा डोमर द्वारा, प्रशांत चंद्र महालोनोबिस द्वारा, जहांगीर रतनजी दादा भाई टाटा द्वारा, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये जो शुरुआत की गई थी वो की गई थी PC महालनोबिस द्वारा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 98, वर्ष 1991 के आर्थिक संकट से निपटने के लिए भारत ने $1 बिलियन का ऋण लिया, 770-700। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये कौन सा है, ये है आपका 7, यानी ऑप्शन ए हमारा सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 99, ट्रेजरी बिल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसे 91 दिनों के लिए जारी किया जाता है, 182 दिनों के लिए, 365 के लिए। तो यहाँ पर यदि हम बात करें ट्रेजरी बिलों के बारे में, तो मित्रों ट्रेजरी बिल 365 दिनों के लिए जारी किए जाते हैं, यानी सी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 100, वह अधिकतम अवधि कितनी है जिसके लिए कॉल मनी का उपयोग धन उधार लेने के लिए आवश्यक किया जाता है? 14 दिन, 28 दिन, 364 दिन। तो यहाँ पर कॉल मनी की अवधि जो है वो मित्रों है कितनी, 14 दिन, ठीक है। रोज़मर्रा की उधारी के लिए किया जाता है, और डे टू डे रातों रात का उधार लेने वाले बाजार मनी रेट कॉल कहलाते हैं, ठीक है। तो अधिकतम 14 दिनों के लिए होता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 91, रेपो शब्द का अर्थ पुनः विक्रय की दर, क्रय की दर, पुनः क्रय की दर, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो रेपो दर जो होती है वो होती है आपकी पुनः क्रय की दर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 102, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए देखो, दिया गया है 1 अप्रैल 1935, यानी भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत इसकी स्थापना की गई थी, भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत। नेक्स्ट चलते हैं 103, भारत बाजार स्थिरीकरण योजना का उपयोग किया जाता है, ए बाजार में तरलता के प्रवेश के लिए, बी बाजार में तरलता को कम करने के लिए, सी सरकारी व्यय को पूरा करने के लिए, या डी उपरोक्त में से एक से अधिक, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे यदि हम बात करें तो ये है बाजार में तरलता को कम करने के लिए, ऑप्शन बी हमारा सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 104, निम्नलिखित में से किस समिति ने वर्ष 1987 में नए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खोलने पर रोक लगाने की सिफारिश की है? ए भंडारी समिति, भंडारी समिति, बी बसु समिति, सी केलकर समिति, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये जो है वो आपकी है केलकर समिति, ऑप्शन सी हमारा सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 105, बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण की स्थापना की गई थी 2000 में, 5 में, 7 में, तो ये ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो ये ऑप्शन आपका सही होगा ए 2005 में, ठीक है। कौन सा सही होगा, 2000 में, यानी ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं 106, वर्ष 2022 में अप्रैल से सितंबर तक भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI अंतर्वाह घटती हिस्सेदारी के क्रम निम्नलिखित देशों का सही क्रम बताइए। तो सबसे ज़्यादा भारत में जो आता है मॉरिशस, सिंगापुर, संयुक्त राज्य अमेरिका, तो मॉरिशस का सबसे ज़्यादा है, फिर दूसरे नंबर पर USA, यानी पहला ऑप्शन सही नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन देखते हैं क्या है, दूसरा ऑप्शन देखें तो वो आ रहा है संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, सिंगापुर, मॉरिशस, ओके, सिंगापुर, मॉरिशस, संयुक्त अरब अमीरात, अमेरिका। तो यहाँ पर यदि हम बात करें
तो ऑप्शन है आपका सिंगापुर, मॉरिशस, यूएसए, अमीरा, यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। निर्यात ऋण गारंटी निगम ECGC संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। करिए भाई विचार। यह भारतीय निर्यातकों के निर्णय ऋण प्रदान में सहायता भारतीय निर्यातकों को ऋण प्रदान पर सहायता करता है, यह निर्यातकों को उनके उत्पादों में होने वाले नुकसान के जोखिम की सुरक्षा प्रदान करता है, निर्यातकों के निर्यात ऋण के कारण होने वाले नुकसान को सुरक्षा प्रदान करता है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सी बात सही है, तो यहाँ पर केवल तीसरी बात सही है, बाकी दोनों बातें गलत हैं, यानी ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 108 पर। क्या है विश्व के कई देशों में वर्ष 22 में मौद्रिक शक्ति के चक्र का कारण क्या था। तो इसका कारण के बारे में बात करें, उन्नत अर्थव्यवस्थाओं और उभरती अर्थव्यवस्थाओं में उच्च मुद्रास्फीति की वापसी, प्रमुख केंद्रीय बैंकों द्वारा नीतिगत दरों में कमी, निम्न मुद्रास्फीति की एक दीर्घ अवधि, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये है उन्नत अर्थव्यवस्थाओं और उभरती अर्थव्यवस्थाओं में मुद्रास्फीति। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 109। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा बीमा बाजार निम्नलिखित में से किस देश में है, चीन, जापान, यूनाइटेड किंगडम, USA। तो सबसे बड़ा बाजार, बीमा बाजार जो है वो है आपका USA, यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 110। निम्नलिखित में से कौन सा GST कार्यान्वयन के बाद प्रभावी हुआ है। ऑप्शन ए, इसने व्यवसायों को उपस्थिति संवेदनशील बनाया है, ठीक है। ऑप्शन बी क्या दिया रहा है, इसने राज्यों और वस्तुओं के मुक्त प्रवाह को निश्चित किया है, इसने व्यवसायिक अनुपालन आवश्यकताओं में कमी आई है, उपरोक्त में से एक से अधिक सही है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर यदि बात करें व्यवसायिक अनुपालनों में कमी आई है, ये बात बिल्कुल सही है, राज्यों के मुक्त प्रवाह को सुनिश्चित किया है, ये भी बात बिल्कुल सही है, व्यवसायों को अवस्थिति संबंधी संवेदनशील बनाया है, ये भी बात सही है, यानी ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 111। भारत में कृषि संबंधी पहलों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ए, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के माध्यम से सूक्ष्म सिंचाई कोष का संचालन किया गया। बी, लघु कृषक व्यापार संघ राष्ट्रीय कृषि बाजार ई नेम कार्यान्वयन एजेंसी है, किसान रेल योजना के तहत सब्सिडी, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो राष्ट्रीय कृषि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक माध्यम सिंचाई, ये बात बिल्कुल सही है, लघु कृषि व्यवसायिक संघ कार्यान्वयन एजेंसी ये भी सही है, किसान रेल के तहत सब्सिडी खाद्य मंत्रालय ये भी सही है, यानी ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11-12 पर। सरकारी ई मार्केट प्लस JEE के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। इस प्लेटफॉर्म पर विक्रेताओं के लिए कोई पंजीकरण शुल्क नहीं है। बी, खरीदारों के पास उत्पाद अनुबंध रद्द करने का विकल्प है। सी, इससे कुल कारोबार में आधे से अधिक का योगदान सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यमों MSME का है। या डी, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये प्लेटफॉर्म विक्रेताओं के लिए कोई पंजीकरण शुल्क नहीं है, तो ये बात बिल्कुल सही है, पंजीकरण शुल्क नहीं लगाया जाता है, खरीदारों के पास अनुबंध रद्द करने का विकल्प 15 दिन का रहता है, कुल कारोबार में अधिक से अधिक योगदान सूक्ष्म, ये भी बात सही है, यानी ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष 1991 के आर्थिक संकट के तुरंत बाद सुधार उपायों के एक भाग के रूप में उठाया गया कदम नहीं था। ए, पूंजीगत वस्तुओं के आयात लाइसेंस समाप्त कर दिया गया, इस बात सही है, उठाया गया कदम था। निजी कंपनियों को दूरसंचार प्रवेश में किया गया, ये भी बात सही है, ठीक है।
लचीली विनिमय प्रणाली अपनाई गई, ये भी सही है, यानी तीनों यहाँ पे बातें सही हैं। ऑप्शन देखते हैं क्या है इसमें और आगे। तो यहाँ पे कौन सा कदम नहीं उठाया, एक और दो, एक उठाया गया था, तीन उठाया गया था, दो नहीं उठाया गया था, यानी बी ऑप्शन हमारा सही है। बी था क्या, ये ज़रा ध्यान से देखो, बी था निजी कंपनियों दूरसंचार क्षेत्र में प्रवेश दिया गया, ये 93 के 2000 के बाद दिया गया था। ठीक है मित्रों, कब दिया गया था निजी कंपनियों, 2000 के बाद। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 114। निम्न वैश्विक नवाचार सूचकांक GII के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे पूरी तरह से विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO द्वारा विकसित किया गया। किसी देश के नवाचार प्रदर्शन की गणना के लिए राजनीतिक वातावरण भी एक संकेतक है। भारत वर्ष 2022 के पहली बार शीर्ष 30 नवाचारी देशों में शामिल है, उपरोक्त में से कौन सा विकल्प सही है। तो मित्रों यहाँ पर यदि हम विकल्प के बारे में बात करें तो नवाचार प्रदर्शन की गणना राजनीतिक वातावरण का भी एक संकेतक है, बात सही है। नेक्स्ट, आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के अनुसार निम्नलिखित में कौन वित्तीय वर्ष 22-23 के दौरान भारत में धीमी आर्थिक वृद्धि का कारण है। वैश्विक स्तर पर मौद्रिक शक्ति, पड़ोसी देशों के साथ सीमा पार व्यापार, चीन की आर्थिक मंदी, व्यापार अमरीकी डॉलर। ठीक है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो यहाँ पर जो होगा, तो यहाँ पर आपका मौद्रिक शक्ति भी सही है, पड़ोसी देशों के साथ सीमा, आर्थिक मंदी, अमरीकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपए का मूल्यन। तो यहाँ पर एक से अधिक विकल्प सही है, यानी ई ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 116। हाल के आर्थिक सर्वेक्षण के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित देशों को उनके सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में गैर वित्तीय क्षेत्र में उनके मूल ऋण के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो जरा करिए व्यवस्थित, जापान, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, ब्राज़ील। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम बात करें घटता क्रम स्थापित करना है तो पहले ऑप्शन में आपने देखा, ठीक है, जापान, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, ब्राज़ील, भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, ब्राज़ील, जापान, दक्षिण अफ्रीका, भारत, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, जापान, दक्षिण अमेरिका, भारत, उपरोक्त में से अधिक। तो ये है ऑप्शन ए, जापान, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, ब्राज़ील, भारत और अफ्रीका। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 113। क्या है, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में वनों का सबसे अधिक कार्बन भंडार है। मध्य, अरुणाचल, बिहार, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पर यदि हम बात करें सर्वाधिक जो भंडार है वो किस राज्य में है, वो है आपके अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट, आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के अनुसार निम्नलिखित में से किन नदियों को राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है। गोदावरी, गंगा, यमुना। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सा है वो, गोदावरी, गंगा, यमुना, यानी ए गोदावरी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से कारक किसी अर्थव्यवस्था में पूंजीगत व्यय की वृद्धि कर सकते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के निवेश में वृद्धि, प्रत्यक्ष कर संग्रह में वृद्धि, निजी क्षेत्र में वृद्धि। तो आपको बताना है कौन सा सही होगा। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो यहाँ पर मित्रों कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो यहाँ पर आपके सार्वजनिक निवेश में वृद्धि, प्रत्यक्ष कर संग्रह में वृद्धि और निजी क्षेत्र में निवेश में वृद्धि, यानी तीनों बातें सही हैं, डी ऑप्शन हमारा सही होगा। मुद्रा स्फीति नियंत्रित करने में निम्नलिखित में से कौन सी कार्रवाई अधिक सिद्ध कर सकती है। सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क कटौती, निर्यात प्रतिबंध, रेपो दर में वृद्धि, बैंकों के ऋण क्षेत्र में क्षमता में वृद्धि। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, तो मित्रों मुद्रा स्फीति को नियंत्रित करने के लिए क्या करना पड़ता है इसके बारे में बात की गई है। तो ये अगर हम देखें तो सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क में कटौती बिल्कुल सही है, निर्यात में प्रतिबंध ये भी सही है, और आपका क्या है रेपो दर में वृद्धि ये सही है, ऋण देने की क्षमता ये काम नहीं किया जाता है, ये काम नहीं किया जाता, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 121। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 121। भारत में औद्योगिक नीति प्रस्ताव को का आधार तैयार अपनाया गया है। प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत, बी ऑप्शन क्या है हमारा, बी ऑप्शन है हमारा
द्वितीय पंचवर्षीय योजना, तृतीय पंचवर्षीय योजना या इनमें से कोई नहीं। तो औद्योगिक नीति अपनाई गई थी 1956 में, यानी द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 22 पर, देखते हैं 22 क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से किस उद्योग समिति को करवे समिति के नाम से भी जाना जाता है। ए लघु उद्योग, बड़े पैमाने के उद्योग, भारी उद्योग, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यदि हम बात करें किस कमिटी को जाना जाता है, तो वो है करवे समिति लघु उद्योग से संबंधित। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में महारत्न कंपनियाँ हैं। तो जरा देखते हैं, ऑयल इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन, पावर ग्रिड और राष्ट्रीय इस्पात लिमिटेड। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ए राष्ट्रीय केवल 1, 2, 3। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सी कंपनी है आपकी, तो आपकी कंपनी है हिंदुस्तान पेट्रोलियम और पावर ग्रिड, यानी 2 और 3 ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1, 2, 4। क्या कह रहा है 1, 2, 4। वॉशिंगटन समिति, वॉशिंगटन कॉन्सेंस पद का तात्पर्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बीच समझौते स्तर से विश्व बैंक के बीच समझौता, संयुक्त राष्ट्र वित्त विभाग के बीच समझौते के स्तर से, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय बीच समझौते के स्तर से ये भी बात सही है, विश्व बैंक के समझौते ये भी सही है, संयुक्त राष्ट्र विकास समझौते के स्तर से ये तीनों बातें सही हैं, यानी ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1, 2, 5। भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में निम्नलिखित में इस पर विचार कीजिए, करिए विचार, बताइए क्या होगा। यहाँ पर प्राथमिक गतिविधियों में कार्यरत लोगों को रेड कॉलर वर्कर कहा जाता है, द्वितीयक वाले क्षेत्र भी कहा जाता है, बीमा और तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत कहा जाता है। ए केवल 1 और 2, बी 2 और 3, 3 सी 2, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो नेक्स्ट है ऑप्शन हमारा, अगर हम बात करें कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो यहाँ पर जो ऑप्शन सही होगा वो ये तीनों बातें बिल्कुल सही हैं, यानी डी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1, 2, 6। क्या कह रहा है 1, 2, 6। 82 में राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना की गई थी, संवैधानिक निकाय के रूप में, संवैधानिक, संवैधानिक, गैर वैधानिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो नाबार्ड की जो स्थापना की गई थी मित्रों, वो की गई थी सांविधिक निकाय के रूप में, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 1, 2, 7। भारत में निम्नलिखित प्राथमिक घाटे से तात्पर्य क्या है। राजकोषीय घाटा ब्याज भुगतान के मध्य अंतर, राजस्व घाटा पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण में अंतर, राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्तियों के मध्य अंतर, सरकार और व्यय और उसकी आय के मध्य अंतर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ये ऑप्शन सही होगा राजकोषीय घाटा और ब्याज भुगतान के मध्य अंतर, यानी ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1, 2, 8। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कार्य तात्पर्य किया जाता है। नेक्स्ट है 1 रुपये के विनिमय दर की स्थिर करता है, वित्तीय व्यवस्था का नियामक एवं पर्यवेक्षक है, सभी प्रकार की करेंसी नोट एवं सिक्के जारी करता है। 1, 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा सही होगा, तो यहाँ पर होगा 1 और 2, यानी ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1, 2, 9। निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में योजना अवकाश घोषित किया गया था। तो यदि हम बात करें किस पंचवर्षीय योजना को योजना अवकाश के रूप में, तो तृतीय पंचवर्षीय योजना को योजना अवकाश। नेक्स्ट, निम्नलिखित औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के उनके भारांक के घटते क्रम में बताइए। तो उनके घटते भारांक के क्रम में अगर हम बात करें तो रिफाइनरी, विद्युत उत्पाद, कच्चा तेल, कोयला, प्राकृतिक गैस, सीमेंट। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये एक भी घाट दिखाते नहीं है घटता क्रम, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, सी ई हमारा सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट 1, 3, 1। द प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी। प्लान्ड इकोनॉमी एम विश्वरैया, पी वी नरसिम्हा राव, अटल बिहारी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यदि हम बात करें प्लान्ड इकोनॉमी के राइटर, तो वो हैं एम विश्वेश्वरैया, ठीक है, विश्वेश्वरैया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1, 32। निम्नलिखित में से कौन बॉम्बे प्लान में शामिल था। लाला श्रीराम, पुरुषोत्तम ठाकुर दास और आवेदन आवेदी सिर दयाल, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन बॉम्बे टाइम में थे, तो पुरुषोत्तम ठाकुर दास, लाला श्रीराम, कस्तूरा भाई और
एडी श्रॉफ, ठीक है, लाला श्री राम, इसके अलावा अधीश्वर दयाल और एडी श्रॉफ, ये सभी शामिल थे। यानी ऑप्शन डी ई हमारा ये हो जाएगा एक से अधिक। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। पीपल्स प्लान तैयार किया गया था श्रीमन नारायण अग्रवाल, जयप्रकाश नारायण और एम एन रॉय, उपरोक्त में से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, ये जो प्लान तैयार किया गया था, ये तैयार किया गया था एम एन रॉय के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34। भारत में स्टैगफ्लेशन शब्द इंगित करता है बेरोजगारी कम करने में मांग बढ़ने के लिए सरकार द्वारा उत्पन्न परिस्थिति को, किसी अर्थव्यवस्था में ऐसी स्थिति को जब मुद्रास्फीति व बेरोजगारी दोनों उच्च स्तर पर हों। कॉरपोरेट प्रॉफिंग आउट संबंधित एक लोकप्रिय शब्द को, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहां पर यदि हम बात करें कौन सी बात सही होगी, तो यहां पर मित्रों यही बात जो होगी, किसी अर्थव्यवस्था में जब मुद्रास्फीति और बेरोजगारी दोनों उच्च स्तर पर हों। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 135। क्या है एम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स और ग्रीन बॉक्स संबंधित हैं? एम्बर, ब्लू और ग्रीन बॉक्स जो हैं वो किससे संबंधित हैं? वो मित्रों विश्व व्यापार संगठन से संबंधित हैं। किससे हैं? विश्व व्यापार संगठन से संबंधित, यानी ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36। वर्ष 2023-24 में लिए बिहार में अनुमानित राजस्व प्राप्ति कितनी है? बिहार में अनुमानित राजस्व प्राप्ति कितनी है? तो अनुमानित राजस्व प्राप्ति के बारे में यदि हम बात करेंगे तो 2,12,326.97 करोड़ है। यानी ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है वर्ष 2022-23-24 के बजट में व्यय 22-23 के बजट का कितना अधिक है? तो बजट जो है वो अधिक है 24,194.21 करोड़ रुपए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38। मई और दिसंबर 2022 के बीच भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति सम्मिलित समिति ने तरलता समायोजन सुविधा के तहत नीतिगत रेपो दर को बढ़ाकर कर दिया है 4%, 4.25%, 6.25% या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो वो कर दी गई है कितनी रेपो दर, 6.25%। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 139 पर। क्या कह रहा है 139? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। खुदरा मूल मुद्रा स्फीति मुख्य रूप से उत्पन्न होती है कृषि और संबंध क्षेत्र से, आश्वासन क्षेत्र से, वस्त्र क्षेत्र से। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ए केवल एक और दो और तीन। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र से बात सही है, अवसान क्षेत्र से भी है, वस्त्र क्षेत्र से भी है। यानी तीनों बातें बिल्कुल सही हैं, यानी ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 140। संयुक्त राष्ट्र बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार 5, 6 और 19, 21 के बीच कितने लोग गरीबी से बाहर आए हैं? 40, 41, 50, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सा होगा, ये होगा आपका 41 करोड़, ऑप्शन बी हमारा सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 141। वर्ष 2021-22 के बीच 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों के लिए भारत की शहरी बेरोजगारी दर बढ़ी है, कमी हुई है, निरंतर स्थिर है, उपरोक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई भी नहीं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो भारत की शहरी बेरोजगारी दर में कमी आई है, ठीक है, 21 से 22 के बीच। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 142। महाराष्ट्र और बिहार के बीच पहली किसान रेल सेवा कहाँ से चली? कटिहार, दानापुर, पटना और भागलपुर। तो ये जो रेल सेवा चली है वो कहाँ से चली है मित्रों? तो पहली रेल सेवा आपकी बिहार के दानापुर से चली है। कहाँ से चली है? दानापुर से, ऑप्शन बी हमारा सही है। वित्तीय वर्ष 2022 के केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा कितना है? केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा 9.2, 6.4 या 6.7। तो ये कितना है? 6.7%। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 144। स्थायी जमा सुविधा की शुरुआत की गई थी 3.75 की दर से, ठीक है, 3.25 की दर से, 3.50 की दर से या 3.50 उपरोक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पर यदि हम बात करें
स्थायी जमा सुविधा 3.75 की दर से 2022 में शुरू की गई थी। नेक्स्ट है भारत 16 के एक सूचकांक है जिसकी जनगणना की जाती है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, न्यूयॉर्क स्टॉक, लंदन स्टॉक। तो यहाँ पर यदि हम बात करें 16 क्या है आपका, तो अस्थिरता सूचकांक के रूप में NSE द्वारा ये जारी किया जाता है। किसके द्वारा? NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। नेक्स्ट है आर्थिक सर्वेक्षण 2002-2023 के अनुसार फार्मा उत्पादों के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है, दूसरा, तीसरा, चौथा? तो भारत का अगर हम स्थान के बारे में बात करें तो भारत का स्थान है तीसरा। ऑप्शन कितना है? बी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 147 पर। दिसंबर 2021 में ऑटोमोबाइल की बाज़ार के तहत भारत विश्व में सबसे बड़ा विनिर्माणकर्ता दुपहिया तिपहिया यात्री या उपयुक्त में से, तो भारत मित्रों दुपहिया और तिपहिया वाहनों का सबसे बड़ा उत्पादन है। किसका? दुपहिया और तिपहिया, यानी ओ और बी, यानी ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 148 पर। क्या कह रहा है 148? मेक इन इंडिया 2.0 के तहत फोकस किया जा रहा है 15 विनिर्माण क्षेत्रों, 12 सेवा क्षेत्रों, ठीक है, 12 विनिर्माण क्षेत्रों और 15 सेवा क्षेत्रों, 17 विनिर्माण क्षेत्रों और 12 सेवा क्षेत्रों, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पर यदि हम बात करें किसका किया जा रहा है, 15 विनिर्माण और 12 सेवा क्षेत्रों का, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49। वर्ष 2022 तक भारत की उपयोगिताओं और कैप्टिव विद्युत संयंत्रों की कुल स्थापित बिजली क्षमता कितनी हो जाएगी? तो कुल स्थापित बिजली क्षमता हो जाएगी 482.2 गीगावाट, यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। और आज का अंतिम क्वेश्चन पेपर संख्या 4 का, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत की आर्थिक प्रदर्शन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, 5 ईयर 1922 बीच एकीकृत भुगतान इंटरफेस लेन देन मूल्य मात्रा दोनों के संदर्भ में वृद्धि हुई है, केरल पंजाब तमिलनाडु में टेली घनत्व 100% से अधिक है, और प्रसार भारतीय 23 भाषाओं में प्रसारण करता है। तो यदि हम यहाँ पे बात करें तो मित्रों यहाँ पर आपकी वृद्धि हुई है, ये बात बिल्कुल सही है, टेली घनत्व 100% से अधिक है, ये भी बात सही है, 23 भाषाओं प्रसारण करता है, ये भी बात सही है, यानी यहाँ पे एक से अधिक आंसर सही हैं, तीनों आंसरें सही हैं। तो मित्रों ये था हमारा 150 प्रश्नों का पर आधारित दृष्टि IAS संस्थान का मॉडल टेस्ट संख्या 4, जो बिहार बजट और उत्तर भारत बजट पर आधारित है, और इसके साथ ही इकोनॉमी पर बेस्ड क्वेश्चन भी इसमें सम्मिलित किए गए हैं। मित्रों जैसा कि आप लोगों के कमेंट आ रहे थे कि पेपर डिले हो रहा है, बार बार अपलोड नहीं किए जा रहे हैं, दो रुके हैं, तो मित्रों थोड़ा टेक्निकल इशू आ गया था, इसलिए हम लोग थोड़ा लेट हो गए हैं, लेकिन आप बेफिक्र रहिए और हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अब आपको शीघ्र अतिशीघ्र सारे पेपर अपलोड कर दिए जाएंगे विभिन्न संस्थानों के, और अब हम लोगों ने सारी सुविधाएँ दूर कर ली हैं, आज की आपको हुई असुविधा के लिए सॉरी, और आपके एग्ज़ाम के लिए गुड लक, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।